उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर पर विवाद के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए, मुस्लिम पक्ष को अपनी ऐतिहासिक गलती स्वीकार करनी चाहिए और समाधान पेश करना चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि मेरा मानना है कि भगवान ने जिसे भी दर्शन का सौभाग्य दिया है उसे दर्शन करना चाहिए। एक त्रिशूल एक मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? किसी ने इसे वहां नहीं रखा, अंदर सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात है। सीएम ने आगे कहा कि ज्ञानवापी के अंदर भौतिक और अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं लेकिन ऐतिहासिक सबूतों को नहीं, वहां की दीवारें हकीकत बयां कर रही है। मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है और उन्हें इसका समाधान निकालना चाहिए। वही असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि योगी ने विवादित बयान दिया, ये संविधान के खिलाफ है, मुख्यमंत्री को कानून का पालन करना चाहिए, वह मुसलमानों पर दबाव डाल रहे हैं। मुस्लिम पक्ष इस मामले में हाईकोर्ट में है और एक दो दिन में फैसला आने वाला है, वो सांप्रदायिक फैला रहे हैं, उनका बस चले तो बुलडोजर चला देंगे। सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है, वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया, ये जुडिशियल ओवररीच है। दूसरी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है जो 15 अगस्त 1947 को जिस समुदाय की मस्जिद थी, मंदिर थी, बौद्ध समाज की थी, ईसाई सिखों की, वो रहेगी। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर कई बौद्ध समाज के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बदल दिया गया 47 से पहले। आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में जाइए आप, वहां पर है आज भी, क्या करेंगे वो, उसको भी चक्कर आएंगे क्या? उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़े मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए, आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं, जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है आप वहां पर दबाना चाहते हैं। और आखिरी बात यह है कि मुसलमानों ने मथुरा में आज से 55-60 साल पहले हिंदू समाज के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसको कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया, मगर उसके बावजूद भी लिटिगेशन खोल दिया गया उसका। तो ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और एक जुडिशियल इनका जो है ये जुडिशियल ओवररीच है इनका, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उस जगह पर त्रिशूल कौन लेकर आया, देवी देवता है, ज्योतिर्लिंग कहां से मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं? 400 साल से मस्जिद है, वहां पर नमाज हो रही है, वहां पर प्रधानमंत्री ने काशी की इतनी बड़ी मंदिर को बना दिया, उसके पर क्या बोलेंगे वो? जब कानून हमने बना दिया पार्लियामेंट में, वो कानून को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये इनका जुडिशियल ओवररीच है और कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तेवर में उन्होंने ये बात कही है कि मस्जिद कहने पर विवाद होगा, हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? भाई वो तो बुलडोजर पॉलिटिक्स चलती है ना, उनका बस चला तो बुलडोजर चला देंगे हर एक पे, वो तो हर चीज वही करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, एक्स एमपी को गोली मार दी गई। क्या ओवैसी इस बात को मानते हैं कि 24 के चुनाव से पहले इस तरीके की बुनियाद रखी जा रही है? नहीं, मणिपुर भी तो इशू बनेगा ना, महिलाओं का रेप बनेगा इशू, अब बन चुका है, बीजेपी की सरकार है, 5-10 हजार घर जला दिया गया मेटी लोगों के, 6 लाख एमुनेशन हथियार गोलियां लूट ली गई हैं, 50 हजार लोग बेघर हो गए हैं, ये सब चीजें हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।